अलीगढ़ में मसूदाबाद स्थित एसएन हॉस्पिटल में हाथरस के रहने वाले 14 वर्षीय मरीज की सिर की चोट का सफल इलाज कर उसे नया जीवन प्रदान किया गया है। मरीज करीब 10 फीट की ऊंचाई से गिरा, जिसके बाद मरीज के परिजन तुरंत मरीज को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर भागते रहे, लेकिन सभी जगह गंभीर हालत को देखते हुए मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया गया और बचने की उम्मीद भी ना के बराबर जताई। तभी मरीज के परिजन एसएन हॉस्पिटल पहुंचे और न्यूरोसर्जन डॉक्टर तरुण वाचने को दिखाया, जिन्होंने मरीज का सीटी स्कैन देखकर तुरंत भर्ती कर इलाज को कहा। मरीज के सीटी स्कैन में बहुत गंभीर हेड इंजरी का पता चला, जिसके चलते मरीज बहुत कम समय तक कोमा की स्थिति में रहा। फिर धीरे धीरे मरीज की हालत में सुधार आने लगा। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और स्कूल भी जाने लगा है। मरीज का इलाज बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका जैन और न्यूरोसर्जन डॉक्टर तरुण वाचने की देखरेख में हुआ। मरीज के इलाज का खर्चा भी बहुत कम आया। मरीज के परिजनों ने एसएन हॉस्पिटल के डॉक्टरों का आभार भी व्यक्त किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण वाचने, ब्रेन स्पाइन सर्जन, एसएन हॉस्पिटल रघुवीरपुरी से। ये मरीज हिमांशु शर्मा 14 साल के, छत से गिरने के कारण बहुत गंभीर स्थिति में थे। इनके परिजन सभी जगह लेकर के भटके कि मरीज को होश क्यों नहीं आ रहा, गहरे कोमा में ये स्थिति में था ये मरीज। वेंटिलेटर पे भी रहा बहुत दिनों तक और बहुत जगह इन्होंने दिखाया, सब जगह से हाथ खड़े कर दिए कि ये ठीक नहीं हो सकता बच्चा कभी भी। इनके पास काफ़ी सीटी स्कैन और एमआरआई थे, जिनमें देखने के बाद पता चला कि मरीज को दिमाग में छोटे छोटे खून के थक्के बहुत ज़्यादा जगहों पर थे, जिसको कहते हैं डिफ्यूज़ एक्जोनल इंजरी, जिसके कारण मरीज कोमा की स्थिति में था और ना ही कुछ पहचान पा रहा था, ना ही कुछ अपना होश था, ना ही अपने हाथ पैरों को संभाल पा रहा था, बस हाथ पैर फेंकता रहता था। फिर इसको भर्ती किया, इसका इलाज शुरू किया गया और काफ़ी दिनों 3 महीने बाद जब इसका इलाज पूर्ण हुआ, तब मरीज पूर्ण रूप से ठीक हुआ, बोलने भी लगा, सब कुछ करने लगा। आज ये मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपना सारे काम कर रहा है, बालक स्कूल भी जा रहा है और पढ़ने लिखने में भी अच्छा है। और काफ़ी कठिन इसका इलाज था, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका इलाज किया गया। हॉस्पिटल के स्टाफ का बहुत सहयोग रहा इसके इलाज में और डॉक्टर प्रियंका जैन, जो कि नवजात और बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी देखरेख में इस बच्चे को भी काफ़ी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। उनकी देखरेख में ही इस बच्चे को भर्ती किया गया और इसका इलाज किया गया। अब ये बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एसएन हॉस्पिटल में सभी प्रकार की गंभीर चोट के मरीजों का, सर की चोट, लकवा, ब्रेन हेमरेज का बहुत ही अच्छा इलाज किया जाता है। हमारा नाम है गिरिराज किशोर शर्मा, गोहाना सासी के पास, गोहाना गाँव है, जिला हाथरस है। माँ बेटा की तबीयत छत से गिर गया था ये, और हर जगह दिखाया था हमने, तो यहाँ एक NS डॉक्टर साहब हैं तरुण माथड़े, उनके पास ले गए, उनकी दवा चली है, सब ने हाथ ठाड़े कर दिए। उनकी आज बिल्कुल फिट है, हर बात में फिट है, शरीर से फिट है, दिमाग माइंड पहले तो और तेज है, अब बिल्कुल सही है, कोई दवा बंद है चुकी है सब, वो बहुत बढ़िया है। वो हर जगह जाते मैं मना कर दी, चो ये 2 महीना से आप पे रहे हो, आप वेंटिलेटर पर भी रहा, पर कहीं 3 महीना के बाद बोला है मैंने ये नहीं किया ऐसे ही डॉक्टर साहब ने, तरुण मांसड़े, NS हॉस्पिटल है, और बहुत बढ़िया इलाज चल रहा, बहुत बढ़िया, मतलब काम भाव, हमारे बेटा तो बहुत खुश है, हम बहुत खुश हैं। ये मेरा बेटा है हिमांशु शर्मा, ये 6 महीने पहले छत से गिर गया था, इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि कहीं सब जगह इसकी मना कर दिया, मेडिकल में सब जगह मना कर दिया। फिर हमें किसी रिलेशन से ये डॉक्टर साहब मिले, तरुण मास्टर, तो इनके पास हम लेके आए, तो अब हमें बहुत ठीक है, अभी ये आराम है, हर बात से ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा है, हम तो दिल से दुआ देते हैं डॉक्टर साहब को।